वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ अनु। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत जन का ये क्वेश्चन है पिंपल्स, और मुझे भी पिंपल्स है। ठीक है, देखिए मेरा पिंपल्स कम हो गया है लेकिन है। तो पिंपल्स के लिए तो मैं कुछ दिन से बोल ही रही हूँ। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वो है स्किन में पिंपल्स, और जिसमें छोटा छोटा दाना वगैरह होता है और एक ख़त्म होता है फिर दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो इसका ये सब चैनल पे मेरा है इस तरह का वीडियो कि कैसे आप पिंपल्स से लड़ सकते हैं, एक्ने से लड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैंने अपना सब्सक्राइबर लोगों को प्रॉमिस किया है कि मैं मेरा कल का वीडियो में, मतलब आज का वीडियो में, आज है संडे, आज का वीडियो में मैं ये बोलने वाली हूँ कि आप कैसे अपना स्किन को ठीक रख सकते हो, जो कि जो लोग परेशान हैं पिंपल्स और एक्ने से, और जिसमें मतलब थोड़ा सांस टाइप का रहता है वाइट कलर का, वो सब अगर है तो कुछ कुछ चीज़ें दोस्तों फॉलो करना है। एक तो मैंने पहले भी बोले हैं कि YouTube में वीडियो मत देखिए, इसके लिए बहुत जन बहुत कुछ बोलेगा। आप डॉक्टर, अगर ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। डॉक्टर जो दवाई देंगे, कुछ लगाने देंगे, वो सब फॉलो कीजिए। और साथ साथ जो है ज़्यादा करके पानी पीना है, नीम पत्ता अगर खा सकते हो मंथली 3 to 4 days बहुत अच्छा है। चिरोता जो होता है, आप दोशोकर्मा का दुकान में जाके बोलिएगा कि चिरोता जो होता है एक काठी काठी टाइप का होता है, डंडी टाइप का, जो पानी में भिगो के आपको रात को रखना है, सुबह उठ के खाली पेट आपको पी लेना है। अगर आप पीते हैं तो वो ज़्यादा दिन, मतलब हफ्ते में आप 4 to 5 days उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं पीना है और वो बहुत ही कड़वी है। उसको अगर पी सकते हैं तो धीरे धीरे आपका ब्लड प्यूरीफाई होता जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर एक्ने पिंपल्स ब्लड के, मतलब हार्मोनल चेंजेस और कुछ प्रॉब्लम है उसी से होता है। तो ये नेचुरल वे आप फॉलो कर सकते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ, जैसे कि टोनर जो यूज़ करना है, टोनर हर किसी को यूज़ करना है, चाहे आप बॉय हो गर्ल हो जो भी हो, एक टोनर। तो ये जो है इसका रिव्यू डिटेल में दिया हुआ है मेरे चैनल पे, सोमी स्कैन प्रोडक्ट का नीम टोनर, ठीक है। सब जानते हैं कि एक्ने के लिए नीम से अच्छा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो एक्ने का जो इन्फेक्शन है ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जल्दी काम नहीं करता है, धीरे धीरे काम करता है। तो इसको आपको रेगुलर बेसिस में लगाना है, दिन में 3 बार। नेक्स्ट जो है ये मॉइस्चराइज़र मैं दिखा रही हूँ, मिंट मॉइस्चराइज़र, ये भी सोमिन कैन प्रोडक्ट का मिंट मॉइस्चराइज़र है। ये आप नाइट क्रीम के तरह भी यूज़ कर सकते हो और दिन में भी लगा सकते हो इसको। मॉइस्चराइज़र टोनिंग के बाद मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी इसका भी मेरे चैनल पे रिव्यू दिया हुआ है। मैं करती हूँ, ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है पिंपल्स के लिए, क्योंकि इसमें मिंट है जो कि पिंपल्स को कम करने के लिए बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद है। और ज़्यादातर हम लोग का ये जो प्रॉब्लम होता है पिंपल्स का, स्किन ट्रीटमेंट नहीं करने के लिए घर में कुछ कुछ चीज़ें फॉलो करना है, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं भूख को मिटाने के लिए, वैसे स्किन को भी बाहर का धूल मिट्टी ये सब लगते लगते उसको भी भूख लगता है, उसको भी वो भी कुछ चाहिए, उसको भी कुछ चाहिए। तो टोनर मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फेस पैक मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं बता रही हूँ स्पेशली वो लोग के लिए जो लोग का बहुत पिंपल से परेशान है, क्योंकि पिंपल से परेशान मेरा बहुत सब्सक्राइबर है, जिसके लिए मैं जानती हूँ कि वो लोग कैसे, और मुझे भी होता है, जिसके लिए मैं, मुझे पता है कितना दुख होता है। ये है सोमी स्कैन प्रोडक्ट का कैन एक्टिव फेस पैक, एक्टिव फेस पैक सेंसिटिव स्किन के लिए, इसमें लिखा हुआ भी है ये एक्ने और पिंपल्स के लिए बहुत काम आता है। इसको कुछ भी नहीं, फेस वॉश, फेस को धो लीजिए, फिर डेली एटलीस्ट 1 time लगाइए। इसमें बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें दिया हुआ है, देखिए मैं कितना ख़त्म कर चुकी हूँ, इसका डिटेल में रिव्यू है। आप सोमी स्कैन प्रोडक्ट आप दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये भी पिंपल्स को कम करने में मदद करता है और स्किन को ब्राइट बनाता है, स्किन को अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से रखता है ये। और ज़्यादा एक्सेस ऑयल, जैसे कि अभी मार्च मंथ है तो एक्सेस ऑयल को भी निकाल के ये सही से रखता है। और ज़्यादा फेस वॉश अगर करते हैं तो उसमें खार रहता है, जिससे फेना निकलता है, और वो अच्छे से आपका स्किन का नेचुरल ऑयल को भी निकाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे स्किन में झुलिया, स्किन लूज हो जाते हैं। लेकिन ये सब यूज़ करेंगे, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, आपका स्किन भी साफ रहेगा। दिन में 2 से ज़्यादा फेस वॉश ना करें, ये डेली यूज़ करें ये फेस पैक सोमीस का, जो मेरा चैनल पे है, आप थोड़ा जाके आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा। रेगुलर इसको करते हैं टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, तो आपका स्किन एकदम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और
प्लस आपको डॉक्टर को भी दिखाना है, होम्योपैथी दिखाइए, एलोपैथी दिखाइए, क्योंकि हो सकता है हार्मोनल चेंज के वजह से हो रहा है, तो उसके उसके लिए भी आपको दवाई वगैरह लेना है ये। और बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, 4 से 5 लीटर, और स्किन के लिए अच्छा हेल्थ खाना, हेल्दी खाना भी खाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ठीक है, बॉइल्ड सब्जी ये सब खाइए। उल्टा पुल्टा तो खाना बनता है, मैं भी खाती हूँ, ठीक है, लेकिन लिमिट में खाइए, रेगुलर नहीं, कभी कभी, ठीक है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपका जो क्वेश्चन था उसका रिप्लाई मैं दे पाई हूँ। एलोवेरा जेल लगा सकते हो, मैं याद आ गया इसलिए बता रही हूँ। अगर आप कोई कुछ खरीदना नहीं चाहते हैं वो भी मैं बता देती हूँ, अगर आप डॉक्टर नहीं दिखा रहे हैं, कुछ नहीं खरीद रहे हैं, तो एक बात है, आप रेगुलर बेसिस में जो टर्मरिक होता है कच्चा हलूद वो खाइए, उसको लगाइए नीम के साथ, वो भी काम करता है। और ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं हम लोग गोलकी, गोलकी को घर में बाहर से खरीदा हुआ नहीं, जस्ट गोलकी गोल गोल जो दाना होता है वो घर में लाइए, उसको थोड़ा सा कढ़ाई में ऐसे नॉर्मल में दे के, ऑयल नहीं, ऑयल ऐसे नॉर्मली धो के उसको कढ़ाई में दे के उसको थोड़ा ऐसे करके फ्राई फ्राई कर लेना पड़ेगा, विदाउट ऑयल नॉर्मली फ्राई करना पड़ेगा। फिर उसको आप मिक्सी में डाल के उसको ग्राइंड कर लीजिए, फिर उसको पूरा रात भर के लिए जहाँ जहाँ पिंपल्स है लगा के छोड़ दीजिए, थोड़ा सा जलन होगा लेकिन आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा वो लगाने से, अगर आप घरेलू चीज़ें चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो ये सब यूज़ करेंगे तो ये सब ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें सोमी स्कैन प्रोडक्ट का, पिम्पल्स का बहुत कुछ है। अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा आप वीडियो से, वीडियो अच्छे से देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप शॉप में जाके भी पूछ सकते हो, जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट का जो शॉप होता है वहाँ पे, वो लोग भी आपको समझा देगा, अगर आप प्रोडक्ट नेम नेम लिख के लेके जाइएगा वो लोग भी आपको समझा देगा अच्छे से। और ये सब चीज़ें अगर फॉलो करते हैं, स्पेशली नीम पत्ता, गोलकी और टर्मरिक हलूद, कच्चा हलूद खाइए, क्योंकि ये लीवर से ही होता है, पेट से ही होता है। और आप देख सकते हो मेरा पहले पुराना वीडियो जो मेरा है 5 महीने 6 महीने पहले का, तब का मेरा जो स्किन था और अभी का मेरा जो स्किन है बहुत फ़र्क आ चुका है मुझे, मैं खुद फील कर रही हूँ मेरा हेयर में भी, इसलिए तो मैंने इतना छोटा करके कट दिया है ताकि मैं और अच्छे से केयर कर पाऊँ। और मैंने तो बताया था छोटा बड़ा हो गया था जहाँ पे कटिंग किए थे एक साइड छोटा, तो मुझे वो हेयर कट अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने छोटा कर दिया हेयर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम रहा मेरे साथ शेयर करना, मैं जितना कोशिश करूँगी, जितना हो सके मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगी। मैं अनुशुआ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।